भारत की करारी हार के बाद इस खिलाड़ी की वापसी को लेकर उठी मांग। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए भारत को आसानी से हरा दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि आज मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिया था, जिसके बाद जो रूट के शानदार शतक और कप्तान मॉर्गन और डेविड विली की घातक अर्धशतकीय पारियों से टीम ने 50/322 रन बनाए। भारत की हार के बाद टीम में दिनेश कार्तिक की वापसी की मांग होने लगी है। जी हां, सोशल मीडिया पर बार बार यही सवाल सामने आ रहा है कि दिनेश कार्तिक को आखिर क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। वहीं भारतीय टीम की आज शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे और यह मुकाबला आसानी से हार गया। अब सीरीज का अंतिम मुकाबला 17 जुलाई को लीड्स में खेला जाएगा, जिसमें शायद दिनेश कार्तिक की वापसी हो सकती है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके हिसाब से दिनेश कार्तिक की भारतीय टीम में वापसी होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।